खबर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से है, जहां पर हर साल की बरसात में अक्सर जेल में पानी भर जाता है। नतीजतन बंदियों को अन्य जनपद के सुरक्षित जेलों में भेजना पड़ता है। इस साल जेल की क्या कंडीशन है, इस सवाल पर जेल अधीक्षक बताते हैं कि बलिया जेल का सबसे बड़ा संकट पानी है। बरसात के मौसम में अक्सर जेल में पानी भर जाता है। पिछले साल का अनुभव हमें है, मात्र दो दिन की लगातार बारिश की वजह से यहां के कैदियों को अंबेडकर नगर और आजमगढ़ भेजना पड़ा था। जेल अधीक्षक ने कहा कि वर्तमान स्थिति यह है कि 6 पंप बनकर तैयार हैं। इस समय बरसात होनी संभव है, अगर नाला साफ हुआ है तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यादा बारिश होने से पिछले साल जैसी स्थिति हो सकती है। फिलहाल हम पूरी तरह से तैयारी से लैस हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। वहीं कैदियों की संख्या पर जेल अधीक्षक ने कहा कि 500 कैदी वर्तमान में यहां पर हैं। इसके अलावा आजमगढ़ मंडल जेल में 350 तथा अंबेडकर नगर जेल में लगभग 90 कैदी बंद हैं। अभी उन कैदियों को लाने की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि बरसात शुरू होने वाली है। इस स्थिति को हम परख रहे हैं, यदि नाला बनकर तैयार हो जाता है और पानी निकलने की संभावना बनती है, पानी का ओवरफ्लो होगा तब सोचा जाएगा। वैसे 2-3 महीना लाने की कोई उपाय हमें नहीं लग रहा है। बलिया जेल के लिए एक सबसे बड़ी संकट की समस्या यही है कि अक्सर बरसात के मौसम में पानी का भराव हो जाता है जेलों में, और जहाँ तक पिछले साल का अनुभव हमें है तो पिछले साल लगातार बारिश के वजह से, मात्र 2 दिन की लगातार बारिश की वजह से हमें सारे कैदियों को यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ा अम्बेडकर नगर और आजमगढ़। फिलहाल इस समय वर्तमान स्थिति में ये है कि हमारे 6 पंप जो है बन करके एकदम तैयार हैं, रेडी हैं, और इस समय अगर बरसात तो होनी स्वाभाविक है, लेकिन अगर बाहर हमारा अगर नाला जो है पानी अगर वहाँ से पास हो जाता है, हम समझते हैं ऐसी नौबत इस साल जो है नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, पिछले साल वाली स्थिति हो सकती है। फिलहाल हम अपनी पूरी तैयारी से लैस हैं, 6 पंप हमारे जो है एकदम तैयार हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। सर, वर्तमान में आपने कितने कैदी लिए हैं? वर्तमान में लगभग 500 बंदी हमारे यहाँ बंद चल रहे हैं। कितने अन्य जनपदों में है सर? कितने अन्य जनपदों में? आजमगढ़ मंडल कारागार में इस समय लगभग 350 बंदी हैं और अम्बेडकर नगर कारागार में लगभग 90 बंदी। सर, उनको लाने की कोई तैयारी योजना है या फिर अभी इस साल अभी नहीं? अब चूँकि उनको लाने की तैयारी तो फिलहाल अभी नहीं है, इसलिए कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो अभी हम इस स्थिति को थोड़ा देख रहे हैं, परख रहे हैं कि पानी निकलने की क्या कंडीशन होती है। अगर नाला बन करके तैयार है और पानी हमारा बाहर निकल जाएगा, अगर ओवरफ्लो नहीं होगा तो हम समझते हैं कि बंदियों को लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 2-3 महीने तक लाने की कोई ऐसा उपाय हमें नहीं लग रहा है कि लाया जाए। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।